सारे अल्लाह नहीं अल्लाह। ये सीपी साहब यहाँ पे क्या घटना हुई है और ये क्या अभी तक पुलिस को जानकारी मिली? ये संज्ञान में आया है कि एक घंटा पहले लगभग यहाँ ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं, लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन ला के उनको दिखा रहे थे, तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था, उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है, और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो एक दो लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है। अभी तक की जो जानकारी है SN मेडिकल कॉलेज ने मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, जिनको बुलेट इंजरी हुई है, लेकिन यहाँ से भागने के बाद ये पता चल रहा है कि शायद संभवतः ये तीन लोग थे जो एक मोटरसाइकिल पे थे, जिन्होंने यहाँ लूट की घटना की है और उसके बाद फायरिंग की है। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? अभी SN मेडिकल कॉलेज में मैंने पता किया था कि तीन लोगों के बुलेट इंजरी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कुछ और लोग भी छर्रे लगने से घायल हैं, लेकिन सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। जो तीनों लोग हैं SN मेडिकल कॉलेज में, वो जाके मैं देखूंगा अभी, लेकिन प्रिलिमिनरी जो वहाँ डॉक्टर से बात हुई, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। देखिए टीमें अलग अलग फॉर्म कर दी गई हैं, सभी तरीके से हमारा प्रयास होगा, क्योंकि इतने व्यस्तम बाजार में उन्होंने घटना की है, तो जल्द से जल्द हम इसमें इस घटना को वर्कआउट करेंगे और जो भी बदमाश इसमें इन्वॉल्व होंगे, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उन सब की के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।